डॉक्टर साहिबा, ये इरशाद फरमाइएगा कि अक्सर उबेशता, ये तो बहुत ज़्यादा होता है, ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, सबके साथ ही ज़ाहिर है ये मामला होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या तो हमने ये कहा कि भाई आप अच्छा फलां बंदे से या फलां शख्स से आप मिलने जा रहे हैं तो मेरा उनको सलाम कह दीजिएगा, फरमाइएगा कि ऐसे क्या सलाम पहुँच जाता है? देखिए जैनब, सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है और सलाम हर बार करना सुन्नत है, चाहे आप हज़ार बार करें। नबी करीम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम करने में बुख्ल ना करो। जो शख्स सलाम करने में बुख्ल करे तो उससे ज़्यादा बखील कोई और नहीं हो सकता। देखिए, जब दो मुसलमान बाहमी मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ भी सलाम से करते हैं और इख्तिताम भी दुआया कलमात से करते हैं तो सारी गुफ्तगू और सारी मुलाकात जो है अजर व सवाब का बाइस होती है। क्या जब बात दो है? मुसलमान जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब दो सल्लल्लाहु अलैहि मुसलमान वसल्लम। बाहमी मुलाकात करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं, जैसे कि इम्तियाज साहिबा ने भी कहा, अल्लाह ताला 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, 90 रहमतें सलाम करने वाले पर और 10 रहमतें सलाम का जवाब देने वाले पर। सुभान अब्दुल्ला बिन अल्लाह। उमर घर से जब निकलते, बाजार जाते, तो यतीम, मिस्कीन, सब्जी फरोश, दूध फरोश, दुश्मन दोस्त सबको सलाम करते। तो एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर अपने साथियों के पास आए और उनसे कहा कि आप मेरे साथ बाजार चलिए। तो उन्होंने कहा, हजरत आप बाजार जाते हैं ना किसी चीज का भाव तय करते हैं, ना कुछ खरीदते हैं, ना किसी मजलिस में बैठते हैं, आप फिर हम आपके साथ कैसे जाएं? आप तो जो नजर आता है शख्स उसको सलाम करते हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं बाजार सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि जो शख्स भी मुझे नजर आए मैं उसको सलाम करूँ। सलाम की अजमत फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए नबी, आप पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह और उसके मलाइक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। तो हमें बदतरीन दुश्मन, अगर वो हमारा बहुत बदतरीन दुश्मन है, तो अगर वो हमें मिले तो हम सलाम करें उसे, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन हम सलाम करें। तो अल्लाह तो हमारा देख रहा है कि हम उसको भी हम आफियत और सलामती की दुआ दे रहे हैं। देखिए जैनब, अगर वो हमसे दुश्मनी रखता और हमारे सलाम का जवाब ना दे लेकिन दिल में जरूर उसकी कदूरत खत्म होगी, देखो वो कितना मुअद्दिब था, मैंने तो उससे मुंह फेरा लेकिन उसने मुझे सलाम सलाम किया। जैसे कि हमारे कुछ रिश्तेदार जो हैं, फूफी हैं, खाला हैं, मामू हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई लाहौर में रहता है, कोई दुबई में रहता है, जब हमारा कोई अजीज व अकारिब उससे मिलने जाता है तो हम कहते हैं कि जब आप हमारी खाला से मिले तो उनको हमारा सलाम कहिएगा, जब आप हमारी फूफी से मिले तो उनकी खिदमत में हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह सलाम जब खुलूस नीयत के साथ पहुँचाया जाता है और उन तक पहुँच जाए तो सलाम कबूल भी हो जाता है। जब एक आशिक रसूल रोजे रसूल की हाजिरी पर जाता है और बताता है कि मैं अल्लाह के घर उम्रे की ज़ियारत हासिल करने जा रहा हूँ, रोज़े रसूल पे भी हाजिरी होगी, तो हर दूसरा शख्स बेचैन और बेकरार होकर कहता है कि जब आप रोज़े रसूल पर जाएं तो रसूल की खिदमत में हमारा सलाम कहिएगा। तो इस तरह पर, लेकिन जिससे सलाम कहलवाया जा रहा है उसका भी फर्ज है कि उस सलाम हमारा रोज़े रसूल पर जाकर जरूर पहुँचाए कि सबा मदीने में मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना, क्या बात, वहीं पे रहने की आरजू है, वहीं का मुझको गुलाम कहना, जगह मदीने में वो अता हो, तुम्हारे रोजे का सामना हो, कबूल मेरी यही दुआ हो, तू जाके इतना पयाम कहना। तो जनाब आप यकीन करें, जब मैं हर साल उम्रे पे जाती थी, हर शख्स जो शख्स मुझे मिलता था वो कहता था कि नहीं साहिबा, रोजे रसूल पे जाकर हमारा सलाम जरूर अर्ज कीजिएगा। तो अल्लाह ताला सबकी हाजिरी भी कबूल फरमाए और जो सलाम और दुरूद सलाम के हम जो नजराने वहाँ पर पेश करें उनको भी कबूलियत का दर्जा, कबूलियत का दर्जा। और बहुत अच्छी बात आपने इरशाद फरमाई डॉक्टर साहब। अब ये जिस तरह से हमने देखा है कि अक्सर लोग नज़रें चुरा लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद किसी ने सलाम किया तो शायद इसके पीछे इसकी कोई गर्ज़ है, कोई हमसे कोई काम ना कह दे, कोई ऐसी बात ना हो, मतलब अजीब ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ फरमा रही हैं आप डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल जैनब, देखिए जब हम किसी से बाहर किसी बात पर कोई इख्तलाफ हो जाता है, किसी से बहुत कलबी लगाव होता है और उसकी कोई बात नागवार गुजरती है तो हम उससे कुछ अरसे के लिए बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन सलाम तो खुदा को होता है, सलाम तो एक जामे और दुआया जुमला है, तो हमें उसको सलाम जरूर करना चाहिए। जज़ाकअल्लाह।